कन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत ना आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। धन श्री गुरु अमरदास जी दे वेले एक खेड़ा सोयनी नामी ब्राह्मण रहा करदा सी। ओह माता दुर्गा दी बहुत भगती करया करदा सी, बड़ी श्रद्धा भावना नाल पूजा करदा सी अते हर समय उसका ज्ञान धारण करदा सी। मनुखां दे समूह उसके पास आ के उसनू मिलते सन अते माता दुर्गा दे दर्शनां वास्ते जांदे सन। साल विच दो वार यात्रा करदे सन अते जल रहित भोजन रहित रह के वर्त रखते सन। इस तरह एक बार यात्रा करन जा रहा सी, उस नाल मनुखां दा एक बहुत वड्डा समूह सी। चलदा चलदा श्री गोविंदवाल साहब गुरु जी की नगरी पहुँच गया, गुरु जी के दर्शन करन वास्ते ललचा गया। जद गुरु जी के द्वार ते आके खड़ा होया तद सिखां ने इस तरह वचन किया, तुसी गुरु जी की पहला आग्या सुन लो फिर गुरु जी के घर अंदर दाखिल होना। पहला लंगर में जाके भोजन छको फिर गुरु जी के दर्शन करो। ये सुन के खेड़े ने विचार कीती, मैं किस तरह गुरु जी की मर्यादा का पालन कर सकता हाँ। मैं हमेशा सुचम करके भोजन छकदा हाँ पर गुरु जी के लंगर विच सब लोगों की आवाजाही रहती है। आश्रम वर्ण मर्यादा के विहार सब नू छड़ के लोग गुरु जी नू मिलते हैं। ऐसा कोई वड्डा प्रेमी ही हो सकता है जड़ा सब कुछ छड़ के केवल गुरु जी का ही प्रेम रखे। मैं दुर्लभ वर्ण लोक लाज सहित छड़ नहीं सकता। इस तरह हिरदे विच अजिहा तर्क धारण करके वह अंदर ना गया ते पिछे ही मुड़ गया। फिर अपने राहे राहा चल पिया अते अपने नाल अपने संगियां नू ले लिया। जद गोविंदवाल छड़ के दो कोहां ते पहुंचया तां थक के एक थां डेरा कर लिया। खा पी के जद सौं गया तां उसनू एक महाभयानक सुपना आया। कालका दा डरौना रूप वेख के डर के बोलिया, हे माता मैं तेरा भगत हाँ, भयानक जोगणियां ने मैनू घेरिया है, इन्हां तों मैनू बचाओ, ये मैनू खा ना लैण, इस करके इन्हां सब नू दूर कर दिओ। मेरे पासों ऐसा किहड़ा कसूर होया है जिस करके मैनू ऐसे डरौने दर्शन होए हन। माता ने सुपने विच उसनू समझाया, मेरा भगत होण करके तू मेरे दर्शन पाए हन पर तू सतगुरु जी तों बेमुख हो के मेरे वल आया है, इस करके तैनू डराया है। मेरी भगती करन दा ये फल है कि शरदा धार के गुरु जी दे दर्शन करो। जो गुरु जी तो बेमुख हो के मेरे दर्शन नू आवे ओ मेरी भगती नहीं पावेगा। उन्होंने जगत का उद्धार करने वास्ते अवतार धारण किया है, भगती रूप हो के सदा दानशील रहिंदे हन। लखां लोग उन्हां पासों श्रेष्ठ मत पाउंदे हन, ओ सिखी मार्ग नू प्रगट कर रहे हन। प्रभु दे अवतार सदा छुपे रहिंदे हन, हुण पिछां मुड़ के सारे भरम दूर करके उन्हां नू मिलो। यह सुन के सुपने विच उसने वंदना कीती, फिर जागया तां मन विच बहुत हैरान होया। जद सवेर हो गई ते उठ के पिछां मुड़ आया, गुरु जी दे दर्शनां दी प्रीत लग गई अते चित विच दृढ़ श्रद्धा धार के श्री गोविंदवाल साहब आ गया। जिसदे हिरदे विच बहुत प्रेम जागया अते जिसदे भाग हुण जागण लगे सन, उस ब्राह्मण ने पहला आके लंगर विच भोजन छकिया फिर उत्थे चले गया
जिथे सतगुरु जी का द्वारा सी। जद जा के दर्शन किते तां प्रेम अधीन हो के गुरु जी दे चरणा ते टह पिया। सतगुरु जी ने पूछया, हे ब्राह्मण कहो दर्शन करने वास्ते किवें आया है। ये सुन के खेडे ब्राह्मण ने गुप्त ते प्रगट सारा वृतांत कह के सुनाया। मन विच शंका धारण करके मैं वापस चला गया सी। सुपने विच कालका दे भयानक रूप दे दर्शन होए। देवी ने मैनू तुहाडा सारा भेद दस्या है, इस करके मैं पिछे मुड़ के तुहाडी शरण आया हाँ। हुण मेरे ते दया करो, सुपने विच जो देवी ने कहा है डरावना रूप ताद मैं वेख्या अते उसदे बचन सुन के वापस मुड़ आया हाँ। ओह महान श्रेष्ठ सरूप वाली जगत की माता मेरे ते प्रसन्न होई है कि नहीं, मेरे हिरदे विच ए वड़ा संदेह है। उस भगवती नू मिले बगैर दूर नहीं हो सकता। तुसी सारियां रीतियां अनुसार महान समर्थ हो, किरपा करके मेरे हिरदे दे सारे शंके दूर कर दो। ए सुन के सतगुरु जी मुस्कुराए अते कहा, जे इस तरह भी हो जावे जिस तरह तू अभिलाषा कीती है, तेरे विच अजिही शक्ति नहीं जिहड़ा तू देवी नू देख सके। जे वह प्रगट हो गई तो उस अगे खड़ा नहीं हो सकेगा। इस गति नू अपने हिरदे विच विचार लो। ये सुन के खेडे ने कहा, किरपा करके मैनू दिखाओ, मैं सब कुछ सहार लवांगा जिस गति नाल भी होवेगा। श्री प्रभु भाव गुरु जी ने भाई बल्लू नू कहा, इसनू हाथ विच हाथ पा के फाड़ लो अते हुणे चुबारे विच लै जाओ। उत्थे जा के यह जगत माता दे दर्शन कर लवे। गुरु जी की यह आग्ञा सुन के बल्लू ने ब्राह्मण नू बाहां तो फड़ लिया ते अंदर ले जा के घर विखाया। सूरज वर्गा चमकदा देवी का तेज वेख्या अते ओह पूरण अस्त्रां बस्त्रां नाल लैस शोभ रही सी। उस दियां जद अठ बाहां वेखियां तां ब्राह्मण ने अपने होशो हवास गवा ले, व्याकुल होकर धरती ते डिग पिया। इस तरह बेहोश हो गया जिमें कि प्राण रहित हो गया होवे। भाई बल्लू ने गुरु जी नूं सारी खबर सुनाई। गुरु जी ने कहा, उसनू चुक के लियाओ। भाई बल्लू ने बड़े जोर नाल ब्राह्मण नूं चुक लिया अते लिया के प्रभु गुरु जी दे अगे लम्मा पा दिता। श्री गुरु अमरदास जी ने उस समय उसनू वेख के ठोडी तों फड़ के उठा के बिठा दिता, मानो एक मुरदे नू फिर जीवित किया होवे। फिर उसने नेत्र खोल के गुरु जी के दर्शन पाए। गुरु जी का प्रभाव वेख के चित विच हैरान रह गया। हाथ जोड़ के गुरु जी नू कहा, मैनू अपनी शरण लै के अपना सेवक बना लो, यह किरतार्थ करके मेरी आस पूरी करो। सतगुरु जी मुस्कुराए ते फिर बचन किया, हे खेडे सुन, तू साडा सेवक है, पिछे तू सदा देवी की सेवा करता रहा है। हुण गुरदेव दे मंत्र सत नाम दा जाप करो। साध संगत जी, इत्थे कवि जी लिखते हैं कि जिस देवी दे दर्शन ब्राह्मण नू कराए गए हैं वह गुरु घर झाड़ू देण आई होवेगी। जे वह इष्ट रूप में आई होंगी तो गुरु जी उसनू मिलन वास्ते आप जाते, अपने सेवक भाई बल्लू नू ना भेजदे। तां इह प्रतक है कि देवी सतगुरु जी ते शरदा रखण वाली उहनां दी दासी वांग सी। फिर गुरु जी ने खेडे ब्राह्मण नू कहा, जिहड़ा भी तैनू कोई मिले उसनू उपदेश दिओ अते सिक्खी दा विशेष विस्थार करो। इस तरह कह के गुरु जी ने किरपा दृष्टि नाल उस वल वेख्या। उस वेले उस विच ब्रह्म ज्ञान पैदा हो गया। करामाता नाल युक्त करके खेडे ब्राह्मण नू विदा किया। उसदे हिरदे विच राम नाम दी लिव ला दित्ती, भुगती मुक्ति लै के अपने घर नू चला गया, अनेकां मनुखां दा संकट दूर किया। जिस जिस ने भी उसकी संगत की उसनू जमा दा दुख प्राप्त ना होया। सतगुरु जी की सिक्खी वधाई कदी कदी आ के गुरु जी दे दर्शन करदा सी। गुरु जी जिस उत्ते भी किरपा दृष्टि करते हैं वह अपने परिवार सहित भवजल नूं
तर जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।